हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। माय नेम इज शिवांश पसी। सो आज है संडे, आई होप आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे। एंड कल से मंडे से दोबारा हमारा स्टॉक मार्केट के सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, हमारी स्टॉक मार्केट स्टार्ट हो रही है। एंड आप लोगों को पता ही होगा कि एक ईद की छुट्टी है, उसके अलावा चार ट्रेडिंग सेशंस हमारे ओपन है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक अपडेट देना चाहूँगा गाइस कि मैं बाहर जा रहा हूँ, अभी ट्रैवल कर रहा हूँ मैं नेक्स्ट वीक, तो मैं वीडियोस यूट्यूब पे नहीं अपलोड कर पाऊंगा। कोशिश करूंगा कि मैं फ्रंट कैमरा के थ्रू आप लोगों को स्टॉक्स रिकमेंड कर दूं, बट मैं चार्ट्स आपको शेयर नहीं कर पाऊंगा। सो उसके लिए थोड़ा बहुत आप लोग देख लेना। एंड मैं आज तो आप लोगों को कल मंडे कौन से स्टॉक्स बाय करने हैं वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ। इसके अलावा आप लोगों को मैंने मेल कर दिया होगा, अगर आप लोग हमारे वीकली रिसर्च रिपोर्ट के मेल पे आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वहां पर आप लोगों को वीकली रिसर्च रिपोर्ट तो ऑलरेडी प्रोवाइड हो गई होगी एंड उसके थ्रू भी आप बेनिफिट्स उठा सकते हैं। सो अब बात करते हैं कि मंडे है, मार्केट पे क्या करना चाहिए, किस तरीके से अप्रोच लेनी चाहिए, सारी बातें करेंगे टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शंस के थ्रू। एंड उसके बाद अपना एक कंक्लूजन निकालेंगे कि मार्केट किस तरफ जा सकती है। सो चलते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप की तरफ और देखते हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं। बट उससे जाने से पहले एक छोटी सी चीज और बोलना चाहूंगा कि हम लोग लेकर आ रहे हैं, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं एक गिव अवे, यूट्यूब स्टॉक मार्केट कम्युनिटी का एक बिगेस्ट गिव अवे आप लोगों के सामने मैं लेकर आ रहा हूँ। सो उसकी वीडियो मैंने कल ही अपलोड करी है यूट्यूब के अंदर, उसे जाके जरूर देखिएगा। क्या प्राइजेस आपको मिलने वाले हैं, कौन विनर बन सकता है, क्या करना है विनर बनने के लिए आप लोगों को, सारी चीज़ें वहाँ एक्सप्लेन करी हुई हम, फॉलो करो उसे और मैं गारंटी देता हूँ कि हो सकता है आप में से कोई एक ऐसा विनर बन जाए अगर उसने ये सारी चीज़ों को फुलफिल कर लिया होगा। सो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग टू मी एट दिस पॉइंट। सो जैसे कि आप यहां देख सकते हैं हमारे आप ट्रेडिंग सेटअप पे आ चुके हैं, टर्मिनल पे आ चुके हैं। सबसे पहला स्टॉक जो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं, उस स्टॉक का नाम है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल में मेरे पास मल्टीपल क्वेश्चंस आते थे बट ये स्टॉक मूव ही नहीं करता था। मेरे पास इसकी वॉच लिस्ट में ऑलरेडी स्टॉक पड़ा हुआ है बट कल की ट्रेडिंग मतलब फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन के अंदर जो इस पर एक ब्रेकआउट आया था और एक अच्छी मूवमेंट आई थी, मुझे लगता है ये स्टॉक काम कर सकता है। बट गाइस इस ब्रेकआउट पे जो ब्रेकआउट दिया है, इस ब्रेकआउट पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। ये स्टॉक करता क्या है, बहुत टाइम सेटल होने के बाद एक बड़ी कैंडल तो जरूर बनाता है, उसके बाद अगले दिन एक गैप अप भी आता है बट इवेंचुअली वहां से वो नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। सो आपको देखना है कल अगर ये स्टॉक गैप अप खुलता है, अच्छा खासा गैप अप मतलब 4-5-6 रुपए गैप अप खुलता है, तो पहले स्टॉक को देख लेना कि ओपन प्राइस और हाई प्राइस दोनों सेम तो नहीं है। अगर दोनों सेम होंगे तो वहां से स्टॉक के नीचे आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, फिर आप इस स्टॉक पे ट्रेड मत करिएगा। स्टॉक का सीएमपी करंट मार्केट प्राइस है 541 रुपीज का। आप बाय कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को अराउंड 542 के ऊपर, अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज के लिए वेट नहीं करते स्टॉक में, मुझे लगता है मूवमेंट ऊपर दे सकता है। सो 542 के ऊपर आप इसे बाय कर सकते हैं। टारगेट्स हम लोग रखते हैं 549-550 रुपीज के, क्योंकि वहां पर एक हर्डल है, आप देख सकते हैं ये छोटा सा हर्डल है। अगर ये हर्डल ब्रेक हो जाता है तो सीधा 20 पॉइंट्स और अचीव कर सकते हैं और हमें टारगेट्स मिल सकते हैं 570 रुपीज के। सो इसको हम लोग वॉचलिस्ट के अंदर जरूर ऐड करेंगे। अगर हम लोगों को 560 तक या 550 तक अच्छे टारगेट्स लग रहे होंगे तो हम लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर लेंगे, अदरवाइज हम लोग इसे होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक का नाम है भारतीय एयरटेल। हमारा सेकंड स्टॉक है नवकार कॉर्पोरेशन। नवकार कॉर्पोरेशन पे मैंने वीकली चार्ट्स ओपन करा हुआ है और ये मेरे लिए एक स्विंग ट्रेड है। आप देख सकते हैं सबसे पहले आप लोगों को दो ब्लू लाइंस शो कर रही होंगी जो कि एक राइजिंग चैनल के अंदर ये स्टॉक काम कर रहा है। एक साल से राइजिंग चैनल के अंदर स्टॉक काम कर रहा है और इवेंचुअली इसने एक लेवल का ब्रेकआउट दिया जो इसने लास्ट 2 ईयर्स बैक दिया था, जो कि फेब 2019 पे एक ब्रेकडाउन आया था, उसके बाद से अब जाके इसने एक वीकली क्लोजिंग दी है। सो 2 से 2.5 साल का एक ब्रेकआउट दिया इस पर्टिकुलर स्टॉक ने। अगर वॉल्यूम्स देखेंगे तो वॉल्यूम्स भी बहुत ज्यादा बढ़े हैं, ठीक है। सो आई थिंक यहां पर एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है। देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि ये जो राइजिंग चैनल है इसका भी ब्रेकआउट दे सकता है। सो अभी करंट प्राइस है इसका 51 रुपीज का, आप लोग इसे बाय कर सकते हैं अबव 53 रुपीज। इसके टारगेट्स वहां से 63-65 रुपीज के होंगे। सो 10-12 पॉइंट्स के टारगेट्स आपको ये पर्टिकुलर स्टॉक दे सकता है। स्विंग ट्रेड है, फॉलो करके जरूर रखिएगा। वॉचलिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं, अगर ब्रेकआउट देता है तो अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं विद इन अ कपल ऑफ डेज। स्टॉक का नाम है नवकार कॉर्पोरेशन। हमारा थर्ड स्टॉक है, ये भी एक स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक है और मैं मल्टीपल बार आपको ये रिकमेंड कर चुका हूं। स्टॉक का नाम है वर्क फार्मा। वर्क फार्मा पे अगर आप लोग देखेंगे एक बहुत बढ़िया सेटअप है एंड इस पर आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट मतलब मंथ हम लोगों ने इस पर अच्छा प्रॉफिट जनरेट करा था।
एंड अगर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस पर सिंपल एनालिसिस है, आप चेक करिएगा, ये आपको दिख रहा है कर्सर पे फोकस करेगा, कर्सर पे अगर आप देखेंगे तो अगस्त 2017 का ये डेट है, अगस्त 2017 पे यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था। सपोर्ट लेने के बाद आप देख सकते हैं एक फॉल आई थी अगस्त सितंबर 2018 पे, मतलब एक साल बाद एक फॉल आ गई थी। फॉल आने के बाद आप देख रहे हैं इसके बाद कहीं पर भी ब्रेकआउट नहीं दिया था, एंड ब्रेकआउट दिया था इसने मई 2021 पे। सो ऑलमोस्ट 3 साल बाद हमने इस पर एक ब्रेकआउट देखा था, और ब्रेकआउट भी एक कप एंड हैंडल पैटर्न, सॉरी हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एक ब्रेकआउट था। हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद यहां से ये एग्जैक्ट अपने रेजिस्टेंस तक गया एंड दोबारा नीचे आ रहा है। दोबारा नीचे आने के बाद आप देख रहे हैं कितना बढ़िया ये सपोर्ट ले रहा है, अब ऊपर गया, रिट्रेसमेंट लिया, सपोर्ट ले रहा है, अब ऊपर जा रहा है। अब इसके जो टारगेट्स मैंने आपको एक्सपेक्ट करके बता रहा हूं कि मुझे लगता है 680 टू 700 टू 800 और हायर लेवल्स ये दिखा देगा गाइस। इस स्टॉक को जरूर अपनी वॉचलिस्ट के अंदर ऐड करिए, और इसको एक एज अ पोर्टफोलियो स्टॉक भी आप ऐड कर सकते हैं। आपको पता है कि ऑलमोस्ट सारे के सारे फार्मा स्टॉक्स बहुत ऊपर जा चुके हैं, ये स्टॉक अभी भी है कि बहुत नीचे है और बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे है। स्टॉक को जरूर लगाइएगा अपनी वॉचलिस्ट के अंदर, अगर अच्छे लेवल्स में मिलता है तो बाय कर सकते हैं। अभी करंट प्राइस है 572 रुपीस का, आप इसे अभी भी बाय कर सकते हैं। बाय चांस कल डिप दिखती है तो भी ऐड कर सकते हैं, अगर कल छोटा सा ऊपर खुलता है तो भी ऐड कर सकते हैं। स्टॉक अच्छा है, मुझे लगता है कि अच्छे रिटर्न्स दिखा सकता है, बट मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि 6 महीने इसे होल्ड करके रखिए, रिटर्न्स अच्छे आएंगे। अब बीच में आप लोग अगर ये आप लोगों को 10-15 रुपए 20 रुपए नीचे मिल रहा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन मत भर देना कि सर अब क्या करें क्या करें, स्टॉक को होल्ड करे रखिए, नीचे मिल रहा है एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करिए। आपका स्टॉप लॉस मैं बता देता हूं कहां होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 495 रुपीस का, 495 रुपीस के नीचे ये इनवैलिडेट हो जाएगा, अदरवाइज ये स्टॉक बहुत बढ़िया है। हो सकता है कि यहां पर एक डबल बॉटम क्रिएट करके भी ऊपर चले जाए, देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पैटर्न एज वेल, बट अगर नहीं होता तो अपॉर्चुनिटी मिस मत करिए। यहां पर छोटी क्वांटिटी उठाइए, नीचे आए और ऐड करिए, करते करते बेस क्रिएट करिए, स्टॉक अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। स्टॉक का नाम है वर्क फार्मा। हमारा फोर्थ स्टॉक है जुबिलेंट फूडवर्क्स। जुबिलेंट फूडवर्क्स मैंने आप लोगों को रिकमेंड भी करा था कि ये जो ब्रेकआउट दिख रहे हैं ना, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ एक ब्रेकआउट आया था, इस पर आप लोग एक अपॉर्चुनिटी बाय की ले सकते हैं। नेक्स्ट वीक क्या हुआ, एक शार्प फॉल हम लोगों को देखने को मिला, बिकॉज इस पर एक बैड न्यूज आई थी तो उसकी वजह से ये तुरंत ही नीचे खुलना स्टार्ट हो गया था। अब इसके अलावा हम लोगों ने अगर फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को अपने सपोर्ट लेवल से दोबारा रिकवरी आई है एंड स्टॉक ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करा है। आई थिंक स्टॉक के अंदर अभी भी एक बेस है जो कि वो सेफ कर रहा है, बचा रहा है, और वहां से एक अपमूव आ सकती है। बायर्स इसके अंदर मुझे लगता है दोबारा एक्टिव हो रहे हैं हल्के हल्के, स्टॉक पे अपनी एक बाइंग डेफिनेटली बना के रख सकते हैं। स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस है 3145 रुपीज का, आप लोग 3160 रुपीज या 55 रुपीज के ऊपर एक बाइंग बना सकते हैं। टारगेट्स जो मैं पर्टिकुलर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 3180 टू 3190 रुपीस के, बट अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो डायरेक्टली 3300 रुपीस का टारगेट होगा जो जुबिलेंट फूडवर्क्स दिखा सकता है, क्योंकि डबल बॉटम क्रिएट कर अपने प्रीवियस स्विंग हाई तक ये डेफिनेटली जा सकता है जो कि 3300 रुपीस का है, बट एक छोटा सा हर्डल है 3190 टू 3200 रुपीस पे। इसका ब्रेकआउट होता है तो ये भी एक स्विंग ट्रेड बन सकता है, बट आप इसे अभी भी होल्ड करके रख सकते हैं। अब बात करते हैं अपने लास्ट स्टॉक की, एंड दैट इज अ सेल साइड। स्टॉक का नाम है ट्रेंट और ये हमारा लास्ट स्टॉक है। अब देख सकते हैं कि वहां पर एक डबल टॉप टाइप सिनेरियो बना है, एक डबल टॉप बना है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, उसके बाद आप देख रहे हैं ना एक राइजिंग चैनल के अंदर ये स्टॉक बहुत टाइम से काम कर रहा है और उसको रिस्पेक्ट भी कर रहा था। अब हुआ क्या, आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली 3 कैंडल के साथ शार्प फॉल आई है और बहुत ज्यादा शार्प फॉल आई है, ठीक है। हो सकता है कि ये 3 कैंडल बनाने के बाद कल एक इनसाइड कैंडल क्रिएट करते हैं। अब मुझे लगता है कि शायद डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर भी काम करता है ये पर्टिकुलर स्टॉक, मैंने शायद ट्रेड करा हुआ भी है स्टॉक के अंदर, तो ये एक इनसाइड कैंडल ड्रॉ कर सकता है, इनसाइड कैंडल मेंटेन कर सकता है। अगर कल ये इनसाइड कैंडल बनता है तो आपको ट्रेड नहीं लेना, अगर इनसाइड कैंडल बनने के बाद अगले दिन एक गिरावट आनी स्टार्ट होती है तो बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। इस पर्टिकुलर स्टॉक पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, एक छोटा सा बेस अभी भी क्रिएटेड है, मैं यहां दिखा देता हूं, जो कि अभी करंट मार्केट प्राइस के आसपास है। सो इस पर्टिकुलर स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस है 880 रुपीस का, 875 के नीचे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक को शॉर्ट करना है, एंड जो मैं टारगेट्स एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ वो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ 850 रुपीस के, मतलब 30 पॉइंट्स आपको ये इजिली, 25 टू 30 पॉइंट्स आपको ये इजिली स्टॉक दे सकता है। स्टॉक का नाम है ट्रेंट, इसको आप लोग सेल साइड के अंदर रख सकते हैं, मुझे लगता है कि ये एक सेलिंग पोजिशन दिखा सकता है। एक दूसरी और छोटी चीज़ और,
कि ये क्या कर सकता है, ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशन भी क्रिएट कर सकता है। कैसे, यहाँ पर ये इसने एक मूलिश मूवमेंट दी है, एक राउंडिंग बॉटम ही है एंड उसके बाद ये एक हैंडल क्रिएट करके ब्रेकआउट दे सकता है। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इससे नीचे नहीं जाना चाहिए जो कि 850 रुपीज़ का लेवल है। 850 तक आता है, उसके बाद एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करते हैं, बट 875 के नीचे आपको ये स्टॉक को शॉर्ट करना होगा। ठीक है, सो हम लोगों ने बात कर ली है अपने 5 स्टॉक्स की, अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की और चेक करते हैं कि उस पर हमारी मार्केट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या बता रहा है। सो मैंने निफ्टी का चार्ट आपके सामने ओपन करा हुआ है एंड ये अर्ली चार्ट मैंने ओपन करा हुआ है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा, आपको ऊपर दो कलर की ट्रेंड लाइंस दिख रही होंगी, दैट इज द ब्लू वन और रेड वन। ये दोनों एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हुआ करते थे, मल्टीपल टाइम यहाँ पर हम लोगों ने हेवी सेलिंग प्रेशर देखा है इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर। इवेंचुअली एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट के साथ, एक कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट दिया, दोबारा नीचे आया, एग्जैक्ट इस लेवल पर रीटेस्ट करा और ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखिए अपने लाइफ टाइम हाई पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड हम लोग देख रहे हैं इंडिया विक्स नीचे आ रहा है और ये इंडेक्स ऊपर जा रहा है। सो अगर इंडिया विक्स रिवर्स करना स्टार्ट करे और कंटिन्यूसली ऊपर जाना स्टार्ट करे तो ये इसका एक टॉप बन सकता है, बट मैं अभी आपको श्योरिटी नहीं दे रहा बिकॉज इंडिया विक्स यहाँ पर अगर रुक जाता है 15 दिन के लिए भी रुक जाता है तो 15 दिन में निफ्टी 16,100 तक भी जा सकता है। ठीक है, सो वो पूरा डिपेंडेंट है इंडिया विक्स, तो मैं इंडिया विक्स को क्लियरली वॉच कर रहा हूं, मुझे कोई साइन दिखेगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा अगर सेलिंग प्रेशर आता है। बट यस, ऐसा नहीं है कि सेल नहीं आएगा, बाय ऑन डिप्स है और सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी आपको इंडेक्स के अंदर रखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी मार्केट एक ऐसे जोन में आ चुकी है कि अगर ब्रेकआउट आता है तो अच्छा आ सकता है, अगर ब्रेकडाउन आता है तो एक बाइंग मुझे लगता है लास्ट आर में आ सकती है। अभी बात करें करंट प्राइस की, तो करंट प्राइस है 15,923 रुपीज़ के आसपास का। शॉर्ट कब करना है, शॉर्ट हम तभी करेंगे जब, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, मैं यहां पर एक सबसे पहले एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर देता हूं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। सो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आ गया एंड यहां पर आप देखिएगा, अगर 15 मिनट की कैंडल अगर ये ब्लू कलर की लाइन के नीचे क्लोज होती है तो वहां पर हमें शॉर्ट करना है, और अगर ब्लैक कलर की लाइन के ऊपर अगर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो वहां पर हमें लॉन्ग जाना है। अब करना क्या, अभी एग्जैक्ट अपने मिड पॉइंट पे है, सो अगर ये 15,890 के नीचे जाना स्टार्ट करता है, सो अगर 15,890 के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो हम लोग मान के चल सकते हैं कि 15,840 या 800 रुपीज का लेवल ये दिखा सकता है। उसके अलावा अगर ये 15,945 के ऊपर जाना स्टार्ट करता है और 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, सो जिन लोगों ने भी कॉल राइटिंग करी होगी ना 15,900, 800, 700 पे, वो लोग एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे पोजीशन को एंड शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में मार्केट और ऊपर 16,000 के आसपास जा सकती है। सो हमारे लिए बाय और सेल साइड के आपको मैंने दोनों अपॉर्चुनिटीज बता दी है, अभी मिड पे है तो इस रेंज के अंदर कोई भी ट्रेड नहीं करना। बात करते हैं बैंक निफ्टी की, सो बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन कर दिया है, आपको सबसे पहले देखना है ये जो रेड कलर की लाइन आपको शो कर रही है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पर आपने देखा कि मल्टीपल रेजिस्टेंस थे, इसका एक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद एक कंसोलिडेशन, एक डाउन ट्रेंड चैनल के अंदर ही कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, अब आप अगर देखेंगे यहाँ तो एक छोटा सा शॉर्ट टर्म पीरियड में इंटरडे टाइम पे ये एक डाउन ट्रेंड चैनल फॉर्म कर रहा है, उसके अलावा अगर आप शॉर्ट टर्म पीरियड पे देखेंगे तो ये एक राइजिंग चैनल के अंदर काम कर रहा है। अब यहाँ पर अगर आपको एक चीज़ देखनी चाहिए, ये एक राइजिंग चैनल के अंदर काम कर रहा है, एग्जैक्ट अपने सपोर्ट लेवल पे है, इसके अलावा ये एक डाउन ट्रेंड चैनल के अंदर काम कर रहा है, वो भी अपने सपोर्ट लेवल पे है। सो अगर ये लेवल ब्रेक होता है, मैं आप लोगों को लेवल बता देता हूँ, सबसे पहले बात करते हैं करंट प्राइस की, करंट प्राइस है इसका 35,750 रुपीज़ का। अगर ये नीचे जाना स्टार्ट करता है 35,680 के नीचे, 35,680 के नीचे जाना स्टार्ट करता है तो पहला टारगेट इसका 35,600 होगा, जो कि यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट ले चुका है। अगर वो भी ब्रेक कर देता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 35,500 रुपीज़ का। ठीक है, सो हमें शॉर्ट कब करना है, हमें शॉर्ट तब करना है जब ये 35,660 या 680 के नीचे जाना स्टार्ट करे, हम लोग 6,200 पॉइंट्स लेकर इस पोजिशन से एग्जिट कर लेंगे। अदरवाइज अगर ये एक ब्रेकआउट दे देता है, इसका एक अच्छी बुलिश 15 मिनट की कैंडल ओपनिंग में ही बन जाती है तो हम लोग बाय करके भी चल सकते हैं, जो कि हमारा टारगेट होगा अराउंड 35,900 to 36,000 रुपीज़ का। सो कल की ओपनिंग कैंडल हमें डिसाइड करेगी, ओपनिंग कैंडल इसके नीचे भी बन सकती है, इसके ऊपर भी बन सकती है। अगर एक बुलिश कैंडल बनती है तो हम लोग बाय करेंगे, अगर एक बेयरिश कैंडल बनती है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे, 100 पॉइंट्स हम मिनिमम लेकर एग्जिट कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, सो अभी हम लोगों ने एक कंक्लूजन क्या निकाला, मार्केट अभी रेंज बाउंड है,
आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकती है। सो उसके बेसिस पर हम लोग अपना डिसीजन या फैक्टर इनिशिएट करेंगे। अब बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट की और उसके बाद बात करते हैं एफआईआई डाटा की, एफआईआई क्या प्लान कर रहे हैं और उनके अकॉर्डिंग मार्केट क्या लग रही है। सो जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कि मैंने निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस ओपन कर लिया है। एंड सिंपल आपको पता है, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे आप लोगों को ये एनालिसिस समझाता हूं, तो आपको पता होगा कि रेड जो बार्स हैं वो बियरिश के लिए हैं एंड जो ग्रीन बार्स हैं वो बुलिश के लिए हैं। ठीक है, सो हम लोगों को सबसे पहले फाइंड क्या करना होता है कि सबसे बड़ी कैंडल बियरिश बनी है या बुलिश बनी है। सबसे बड़ा बार बना है बियरिश का, जो कि बना है अराउंड 16,000 पे। अब बियरिश किस लेवल पे बना है? 16,000, मतलब वो लेवल ब्रेक होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसके अलावा सबसे बढ़िया ग्रीन कैंडल कहां बनी है? वो बनी है 15,900 और उसके बाद 15,700 पे। सो अगर कल का लेवल ब्रेक होता है और कल की क्लोजिंग हो जाती है 15,900 के नीचे, कल की क्लोजिंग अगर 15,900 के नीचे हो जाती है तो हम लोग 15,700 भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जिन लोग अगर 15,900 के नीचे क्लोजिंग होगी तो जितने भी पुट राइटर्स होंगे जहां पर होल्डिंग बना के बैठे होंगे एक बेस क्रिएट करके, वो लोग एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे एंड उसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में मार्केट और नीचे जाएंगी। ठीक है, सो अगर मैं आप लोगों को कॉल और पुट का चेंज दिखा देता हूं तो दोनों सिमिलर है। अब दोनों सिमिलर है तो आपको मैंने अभी बताया, टेक्निकल्स भी बता रहा है, रेंज बाउंड रह सकती है। रेंज बाउंड का मतलब क्या है? बाय ऑन डिप्स सेल ऑन राइज, नीचे जाएगा तो बाइंग आ सकती है, ऊपर जाएगा तो गिरावट आ सकती है। इस फैक्टर पे मार्केट काम कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, सो बैंक निफ्टी हमें क्या सजेस्ट कर रहा है उसको एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि निफ्टी तो हम लोगों को न्यूट्रल लग रहा है। बैंक निफ्टी पे सबसे ज्यादा बड़ा बार जो बना है वो बियरिश का बना है, जो कि बना है 36,000 पे। हमने आपसे अभी बात करी, अगर एक 15 मिनट की बुलिश कैंडल बनती है तो 35,900 टू 6,000 एक रेजिस्टेंस होगा, उसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं लग रही है। इसके अलावा हम लोगों ने बात करी, अगर गिरावट आती है, अगर हम लोग 680 के नीचे जाते हैं तो हमारा टारगेट क्या होगा? 35,500, जो हम लोगों ने टेक्निकल्स पे बात करी ये भी यही बता रहा है कि 35,500 ब्रेक होना भी कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर मुश्किल है। सो अगर हम यहां देखें तो कॉल और पुट का डबल का फर्क है, मतलब बेस जो नीचे का बेस है वो वीक है, ऊपर का बेस जो है, मतलब नीचे का बेस सॉरी वीक है और ऊपर का बेस अभी स्ट्रांग है। ऊपर ब्रेकआउट होने के चांसेस माइनर है और नीचे ब्रेकडाउन होने के चांसेस मेजर है। सो नीचे ज्यादा जा सकता है और ऊपर कम जा सकता है, बैंक निफ्टी ये सजेस्ट कर रहा है। बट अगर निफ्टी गिरेगा तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी गिरेगा, तो मतलब अगर बैंक निफ्टी वीक है तो निफ्टी भी वीक हो सकता है। अब ऐसे ये पता चला कि यार साइडवेज टू डाउन ट्रेंड थोड़ा बहुत हमें ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है और निफ्टी तो बता रहा था कि नीचे और ऊपर दोनों जा सकता है। अब लास्ट फैक्टर जो कंक्लूजन को फुलफिल करेगा वो है एफआईआई का डाटा। सो एफआईआई के डाटा के पे चलते हैं। सो ये एफआईआई का डाटा कॉल और पुट है। कॉल पे उन लोगों ने बुलिश क्वांटिटी बना रखी है 1,00,000 की और पुट पे उन लोगों ने बियरिश क्वांटिटी बना रखी है 1.7 लाख रुपीज की। सो अगर हम बात करें तो वो लोग इन दी एंड कॉल और पुट पे अराउंड मान के चले तो डबल पे बियरिश है। सो कॉल और पुट ऑप्शंस पे वो लोग बियरिश है। अब बात करें कि उन लोगों ने फ्यूचर पे लॉन्ग बना रखा है। फ्यूचर पे अगर आप देखेंगे तो 1100 करोड़ की सेलिंग करी हुई है इंडेक्स फ्यूचर के अंदर एफआईआई ने। सो यहां पर अगर हम लोग मान के चले तो एक बियरिश मोमेंटम लग रहा है। अगर ऊपर खुलता है बाय चांस मार्केट तो वहां पर एक सेलिंग आ सकती है। ठीक है, सो आपको करना क्या है, अगर कल मार्केट खुलते ही नीचे जाना स्टार्ट करते तो आप लोग एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। मुझे लगता है विद इन 30 मिनट्स और विद इन आर आपको टारगेट्स अचीव हो जाएंगे, उसके बाद फिर एक बाइंग आना स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, स्टॉक्स का भी अगर डाटा हम लोग चेक करें तो एफआई और डीआईज ने सेम, मतलब इनका न्यूट्रल है, एक बाय कर रहा है तो एक सेल कर रहा है, इस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग आगे चेक कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से कंक्लूजन निकल रहा है सेल ऑन राइज ज्यादा अच्छा आ सकता है रेदर देन बाय ऑन डिप्स। ठीक है, सो ऊपर मिले तो सेल करिए, नीचे मिले तो एक बार वेट करिए अपॉर्चुनिटी का, रिवर्सल का। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच गाइस, मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा होगा, सारी एनालिसिस आपको सामने मैंने बिल्कुल परफेक्ट लेकर आया हूं। सो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं देख रहा हूं जितने लोग ये वीडियो को देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज सब्सक्राइब करिए, लेट्स एम फॉर अ 1,00,000 सब्सक्राइबर्स विद इन दिस पर्टिकुलर मंथ, और उसके बाद हम लोग गिव अवे पे आप लोगों को बढ़िया विनर्स अनाउंस करके आपको बढ़िया रिजल्ट प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग टू मी, लिसनिंग दिस होल वीडियो। गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।